आपको ये बताते हैं कि कल के बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या होनी चाहिए, और ये आपको बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक ऊपर ट्रेड कर रहे थे और यूरोप भी मजबूती के साथ। इसका मतलब यह कि अमेरिका में फिर से एक अच्छे ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद तो है ही, लेकिन हमारी अपनी जो कमजोरी है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आज हफ्ते के पहले दिन के FIs की खरीदारी बिकवाली के आंकड़े कैश और वायदा कारोबार में कैसे आते हैं, वो कल का टोन सेट करेंगे। क्योंकि इस वक्त बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर तेजी या मंदी की तरफ जो है वो हमारे अपने डेटा है FIs की तरफ से, उस पर बाजार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब नीचे सपोर्ट लेवल 15,750 के आसपास है और ऊपर 15,175 15,200 के आसपास रुकावट, वो भी तब जबकि हम 15,000 को पार करके टिके। तो बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,500 34,800 की रेंज में सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये समझ लीजिए आप 35,750 36,000 की रेंज में रुकावट आप मानकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल इंडेक्स में दोनों तरफ ट्रेड के मौके मिलेंगे। अगर ग्लोबल संकेत अच्छे रहे, गैप से खुले तो हो सकता है फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखे, कमजोर खुले तो निचले स्तर से रिकवरी भी, क्योंकि काफी हद तक बाजार ओवरसोल्ड भी है, वायदा कारोबार में तेजी की पोजीशन काफी हल्की ट्रेडर्स की भी हो चुकी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग आना भी तय है। लेकिन इसके बाहर कैश मार्केट के स्टॉक्स में ढेर सारा एक्शन है, बढ़िया तेजी आप देखिए, सीमेंट, पेपर, IT शेयर, कहीं सरकारी कंपनियां, जो सेक्टोरल चर्निंग हो रही है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप्स में, मुझे लगता है ट्रेडर्स को वहीं पर फोकस करना चाहिए और वहां अब भी आपके लिए अच्छे मौके तेजी के बन सकते हैं।